हमने पिछली बार किया था, लास्ट टाइम वी हैड डन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो पहले आ जाइए यहां पे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में ही आ जाइए। मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक हार्ट। तो बेटा मायोजेनिक, वैसे हमारे जितने मसल्स है वो कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ब्रेन से मैसेज आता है, नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब काम शुरू करो, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, बट हार्ट में जो कार्डियक मसल्स है वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, बट इज मायोजेनिक हार्ट द हार्ट इन विच कार्डियक कार्डियक मसल्स आर ऑटो स्टिमुलेटरी। इसका क्या मतलब है, ऑटो स्टिमुलेटरी का क्या मतलब है? दैट इज दे देमसेल्व्स जनरेट इंपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की जो इंपल्स है, पोटेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है, तो वो खुद ही जनरेट करते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नर्वस सिस्टम फॉर कॉन्ट्रैक्शन। सो ऑटो स्टिमुलेटरी है, खुद जनरेट करते हैं। दैट इज वाई आपने कभी सुना भी होगा कि कोई पर्सन ब्रेन डेड हो गया। ठीक है, कभी सुना है आपने? ठीक है, अभी देखिए, उसको कॉमा कह सकते हैं। नहीं कोमा नहीं बेटा, कोमा में तो उससे तो इंसान वापस भी आ सकता है। अच्छा मैम, ब्रेन डेड जो है कि भी ब्रेन खत्म हो गया, बट अगर हम मेडिकली देखें तो उसका हार्ट तो बीट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में है ना, अभी आई थिंक 3 years back, आई होप सो, 3 or 4 years back जो है, 2 to 3 years back, यू मस्ट हैव हर्ड अ स्टूडेंट ऑफ विवेक हाई स्कूल, ठीक है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। रात को बच्चे जो है थोड़ा सा वो करने गए, अपना घूमने फिरने गए, एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम दे मेट विद एन एक्सीडेंट एंड द स्टूडेंट ही डाइड इन दैट एक्सीडेंट, बट वो ब्रेन डेड था। ठीक है, और उसके पेरेंट्स ने उसके सारे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग हार्ट जो था वो डोनेट कर दिए थे। ठीक है, तो उस केस में जो ब्रेन डेड है उसका हार्ट कुछ टाइम तक, ये परमानेंटली नहीं हम कह सकते, कुछ टाइम तक वो बीट करता रहता है। तो हमें तो लगता है कि भी कोई भी पेशेंट है हु सो एवर, भी ये तो ब्रेन डेड है, ये डेड कैसे है? डॉक्टर कहते हैं भी ये डेड है ना, हम कहते हैं डेड कैसे है, इसका तो हार्ट चल रहा है अभी, है ना, हार्ट बीट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप पागल हो कैसे ये है? तो वो कहते भी कुछ टाइम बाद इसने मर ही जाना है, क्योंकि इसका ब्रेन डेड हो गया, बाकी ऑर्गन्स को भी इंपल्सेस नहीं जाएंगी, धीरे धीरे हार्ट में भी टॉक्सिन्स फैलने शुरू हो जाएंगे एंड ही विल डाई। तो इससे पहले कि ये पूरी तरह मर जाए, तो इसके हम ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो तभी वर्किंग कंडीशन में ही ट्रांसप्लांट हो सकता है, वो एक बार रुक गया फिर नहीं ट्रांसप्लांट होता। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किस केस में हो सकती है? ब्रेन डेड जो है, अगर उसका वर्किंग हार्ट निकाल के कुछ आवर्स में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ओनली देन इट कैन बी ट्रांसप्लांटेड।
ठीक है, ऐसा क्यों है? ब्रेन डेड में बाकी ऑर्गन्स मर गए, सिर्फ हार्ट ही क्यों चलता रहा? क्योंकि हार्ट अपनी इंपल्स खुद जनरेट करता है, ठीक है? तो ब्रेन एटलीस्ट नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड तो है, तो ब्रेन या नर्वस सिस्टम ओनली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रेट ऑफ हार्ट बीट। जैसे जोरावर का आइटा का टेस्ट मैच हो, है ना, और बस 2 मिनट में शुरू होने वाला है, तो जोरावर की हार्ट बीट बढ़ जाती है। यस और नो जोरावर? बड़ी टेंशन होती मैम, है ना। हाँ, तो उस टाइम जो हार्ट बीट बढ़ रही है वो कौन बढ़ा रहा है? दैट इज नर्वस सिस्टम। समरीत को पता चले ओ हो ले 15 दिन पहले आ जाए कि नीट का टेस्ट हो रहा है, देन समरीत के एकदम तो हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है? दैट इज ड्यू टू नर्वस, है ना। हाँ, दैट इज ड्यू टू, जैसे एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले चाहे पता था अच्छा ही रिजल्ट आएगा सबको, बट फिर भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 10th का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन इंक्रीज? क्योंकि जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो तो हार्ट खुद काम कर रहा है, बट जो डिक्रीज हो जाती है नॉर्मल से ऊपर, सॉरी इंक्रीज हो रही है नॉर्मल से ऊपर, या किसी केस में नॉर्मल से नीचे, या जो इंक्रीज हुई है उसको अपने जगह पे लेके आना, वो कौन करता है? वो नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम ओनली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट, बट द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड एंड नॉर्मल हार्ट बीट इज मेंटेन्ड बाय हार्ट इटसेल्फ या द कार्डियक मसल फाइबर्स ऑफ द हार्ट इटसेल्फ, ठीक है। एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट हार्ट आर मायोजेनिक। वर्टिब्रेट हार्ट जो है मायोजेनिक है, दैट्स वाई, दस ये क्वेश्चन आ जाता है, इवन इफ वी कट सेपरेट द हार्ट ऑफ फ्रॉग, या वैसे तो किसी का भी हार्ट ऑफ फ्रॉग फ्रॉम नर्वस टिश्यू, इट कीप्स ऑन बीटिंग। ठीक है, उसको किसी तरह से मेंटेन किया जाए, ठीक है, नर्वस सिस्टम से काट दिया जाए, बट उसमें से टॉक्सिन्स ना उसके पास पहुंचने दिए जाए, तो वो हार्ट बीट करता रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, बट हार्ट बीट कर रहा है, बिकॉज हार्ट इज मायोजेनिक। एक तो है वर्टिब्रेट हार्ट, अनदर इज हार्ट ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में क्या आ जाता है? जिनके पास बैकबोन नहीं है, सच एज इंसेक्ट्स, सच एज स्नेल्स, है ना। नॉन कॉर्डेट्स आर न्यूरोजेनिक, एक्सेप्ट सम मोलस्क्स। Whose heart is myogenic? एक मोलस्क्स का हार्ट और एक वर्टिब्रेट्स का हार्ट मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक क्या है समझना है पहले, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, समझो। न्यूरोजेनिक हार्ट whose contraction and relaxation is controlled by nervous tissue.
if such heart is separated, cut separate from the nervous tissue, the heart will stop working. For example, heart of annelids. Annelids mein kya jata hai? Earthworm. Arthropods, etc. That is neurogenic heart. But human heart, hum kya kahenge? Human heart, pehli baat hai, myogenic hai. Second hai, complete, four-chambered hai. Third, arteriovenous hai. Arteriovenous ka kya matlab hai? As it has deoxygenated blood, in right side, and oxygenated blood in left side. Arteriovenous means it has both oxygenated and deoxygenated blood and shows double circulation. Means the blood flows through twice in the heart in one circulation. Pehle heart se lungs mein, phir lungs se heart mein, phir heart se body mein. So this is one circulation. Do bar heart ke andar enter karta hai. This is double circulation. Right? Karo note, phir aage chalte hai. Next hum aa jate hai beta. Cardiac cycle ya phir functioning of human heart. Bete sabse pehle samjhenge ye ki ये अगर हम एक हमने सिंपल सा डायग्राम बनाया This is human heart. ये है superior vena cava. Let us say मैं यहीं पे दिखा रही हूँ. This is inferior vena cava. कि ठीक है? यहाँ से pulmonary arc. और यहां से एओटा यहां पे बेटा एक स्पेशलाइज्ड मास है कार्डियक मसल फाइबर्स का दैट इज कॉल्ड एज एसिनोड
हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम कार्डियक साइकिल देखें तो जीरो पॉइंट वन सेकेंड क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल, जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड्स इसमें क्या है, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल एंड दिस इज 0.4 सेकेंड ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है जी, ये अब सिस्टोल क्या है, सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन। वन कार्डियक साइकिल पूरा वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। वन कंप्लीट साइकिल एंड इट इज इक्वलन टू 0.8 सेकेंड। ठीक है, अगर यहां पे अगर हम देखें कि 0.8 सेकेंड्स वन कार्डियक साइकिल एंड वन कार्डियक साइकिल इज वन हार्ट बीट। सिक्सटी सेकेंड्स वन ओवर 0.8 इंटू 60 कितना हुआ, जरा जल्दी से 75 यस मैम सर है ना 75 सो इट इज 75 टाइम्स पर मिनट। हम कह देते हैं रेंज आ जाती है 72 to 75 टाइम्स पर मिनट जो है रेट ऑफ हार्ट बीट है, या इतनी कार्डियक साइकल्स पर मिनट चलती है। इज इट ओके? ठीक है, तो अब होता yes, क्या ma'am. जब पूरा हार्ट जो है वो रिलैक्स्ड है, यहां पे ये आपको पता है ये कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड। जोरावर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, पिछली बार क्लास नहीं लगाई तो थोड़ा सा ध्यान से 100% अटेंशन हियर। ये है बाइकस्पिड। ठीक है जी, जब नहीं होना होता मतलब ये बंद हो सकता है और खुल सकता है, ये इस अपर्चर को यहां से जो ब्लड जा रहा है इसको बंद कर सकता है। अब क्या हो रहा है, ज्वाइंट डायस्टोल है। ध्यान से सुनना है, अभी लिखना कुछ नहीं, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूं। ज्वाइंट डायस्टोल है, ज्वाइंट डायस्टोल मींस ऑल द चैम्बर्स एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग, सारे के सारे चैम्बर्स जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स मतलब पूरी वॉल्यूम है उनकी। All chambers relaxed all valves open except
semilunar valves. सेमीलूनर वॉल्व्स कौन से हैं? ये वाले. जिनसे ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर जाना है, ठीक है ना. जिन वेसल से ब्लड अंदर आ रहा है, इस टाइम जब ज्वाइंट डायस्टोल है, यहां से ब्लड अंदर गया, यहां से गया, यहां से यहां गया, राइट. यहां पे पल्मोनरी वेन्स है चार, यहां से भी ब्लड अंदर आ रहा है और यहां से ब्लड यहां जा रहा है, एक्सेप्ट सेमीलूनर वॉल्व्स विच आर क्लोज्ड. सेकेंड पॉइंट है, अब ये क्या है, वीना कावा, लार्ज वेन्स. वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड. ये है इन्फीरियर वीना कावा और ये है सुपीरियर वीना कावा, ठीक है. तो अब यहां पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड. पोर्स फ्रॉम, आपने पूरा लिखना है, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा इनटू राइट एट्रिया. दिस इज, ये जो चैम्बर है ये है राइट एट्रिया. आप टेंथ तक इसको ओरिकल कह देते होंगे, ओरिकल भी ठीक है पर टेक्निकल टर्म इसको एट्रिया ही कहते हैं. ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी. तो सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा इनटू राइट एट्रिया. थर्ड पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड, पोर्स इनटू या पोर्ड इनटू लेफ्ट एट्रिया थ्रू पल्मोनरी वेन्स. क्योंकि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स खुले हैं, इसलिए एट्रिया से ब्लड फ्लोज इनटू वेंट्रिकल्स. मैम, हाँ जी बेटा. मैम फोर पल्मोनरी वेन्स है. क्या कह रहे बेटा? फोर होती है पल्मोनरी वेन्स. मैंने क्या लिख दिया, आर्क लिख दिया ना आंसर. अच्छा ये तो आर्क ही है, ये आर्क है और ये वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स. ये चार होती है बेटा आपकी बुक. हाँ मैम, पल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है मैम, जो मैम जाती है लंग्स में? एक राइट लंग में गई, एक लेफ्ट लंग में गई. वेन्स चार मैम, फ्रॉम ईच जो है, ईच लंग निकल रही है, ठीक है. उसके बाद एज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, देयरफोर ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया
into ventricles passively. Passively का मतलब है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहां पर जैसे ब्लड इसमें आ रहा है ये धीरे 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 इसमें आई जा रहा है, ठीक है। एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं, भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड नीचे आएगा, नहीं, वो खुद ब खुद जो है अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट इज फ्लोइंग डाउन, राइट। पहले ये लिखो फिर हम आगे करते हैं। तो ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम यू नो 0.4 सेकेंड्स है। देन आफ्टर दिस सेकेंड जो है, दोबारा से मैं बना रही हूं, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ एस ए नोड। यहां पे एस ए नोड है, इसने करंट जनरेट किया फॉर कॉन्ट्रैक्शन, और ये करंट उसने फटाफट किसको दे दिया, यहां पे जो कार्डियक मसल फाइबर्स है, ये एस ए नोड भी कार्डियक मसल फाइबर्स है बट ये स्पेशलाइज्ड है, इसने करंट को जनरेट किया, ये एक जनरेटर की तरह काम कर रही है। जैसे एक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वो घर के सारे कमरों में जहां जहां जो जो उसके साथ कनेक्टेड है उसको वो बिजली देता है साइमल्टेनियसली, इसी तरह से जो है ऐसे नोड एक्टिव हुआ और इसने दोनों एट्रिया को वो करंट सप्लाई कर दिया। वेंट्रिकल्स को नहीं, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स की वॉल में मसल्स में क्या प्रेजेंट है, ये फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, इसलिए ऐसे नोड ने करंट जनरेट किया और एट्रिया को दे दिया जिससे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ठीक है। और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए तो यहां पे जो वॉल्व्स थे वो बंद हो गए ताकि ब्लड पीछे ना जाए, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स पहले से ही बंद है, इनके वॉल्व्स जो है वो भी बंद हो गए। अब सिर्फ कौन से वॉल्व्स खुले हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, जिसकी वजह से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के बीच में आ रहा है। अब हमारा क्या है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या है, फर्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स बाय एस ए नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर। मोस्ट ऑटो एक्साइटेबल एंड ऑटो रिदमिक, हर 0.8 सेकेंड्स के बाद इतनी रिदमिक है कि इसमें चेंज नहीं आता है, हर 0.8 सेकेंड्स के बाद इसमें नया करंट जनरेट होता है, दैट इज व्हाई इट इज ऑटो रिदमिक, मोस्ट ऑटो रिदमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स
spread to, wall of both atria simultaneously. जिसकी वजह से क्या है, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट. स्फिंक्टर्स एंड वॉल्व्स ऑफ superior vena cava, inferior vena cava and pulmonary veins get closed. ठीक है जी. जो सेमीलूनर वॉल्व्स है वो पहले से ही क्लोज है. जो यहां पे पल्मोनरी आर्क जाती है, एओटा जाती है, उनके जो वॉल्व्स है वो तो खुले ही नहीं है अभी तक. सेमीलूनर वॉल्व्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड. Only tricuspid and bicuspid valves are open. Therefore, blood flows एक्टिवली. क्यों एक्टिवली? क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए है, एनर्जी कंज्यूम हुई है, इसलिए एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन है. देयरफॉर ब्लड फ्लोस एक्टिवली फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स. इज इट ओके? ठीक है. इसलिए अब यहाँ पे yes, ma'am. ध्यान से अब ये देखना है कि फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स अकर्स ड्यूरिंग, ये चाहिए आप एक बॉक्स में भी लिख लेना, जॉइंट डायस्टोल, पैसिव मूवमेंट टू थर्ड और 70% फ्लो. 70% ऑफ द जो ब्लड था वो पैसिवली यहां से यहां चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एट्रियल सिस्टोल, सिर्फ जो बचा खुचा ब्लड है वो वहां पे जाता है. आप थोड़ा सा ये सोचो कि आपने एक मिल्क का पैकेट लिया, दूध की थैली ली, वेयर का है कोई भी, उस पे काटा और आपने टेढ़ा किया, तो क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड चला गया, ब्लड कैरी, मैक्सिमम मिल्क आपके पैन में चला गया. उसके बाद आप क्या करते हो, फिर आप उसको निचोड़ते हो, है ना, थोड़ा सा आप करते हो ना, उसको स्क्वीज करते हो ताकि थोड़ा बहुत जो दूध रह गया वो भी चला जाए. यस और नो, कभी देखा है आपने? यस मैम. जोरावर, आपने कभी ये नोट किया? यस. ठीक है ना, तो बस वही है, मैक्सिमम ब्लड तो यहाँ चला गया,
उसके बाद जो थोड़ा बहुत रहता है वो उसको स्क्वीज करके आ गया. तो एट्रियल सिस्टोल एक्टिव फ्लो सिर्फ 1/3 या सिर्फ 30% ऑफ ब्लड फ्लोस एक्टिवली. तो इसलिए दैट इज व्हाई देयरफॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया अकर्स ओनली फॉर 0.1 सेकेंड. इज इट राइट? तो ये है एट्रियल सिस्टोल. इसमें भी ज्वाइंट डायस्टोल में ब्लड बाहर नहीं जा रहा था, सारा अंदर आई जा रहा था, फिल हो गया. उसके बाद एट्रियल सिस्टोल में ना कोई बाहर से आ रहा है ना कोई अंदर से बाहर जा रहा है, सिर्फ इन चैम्बर्स से ब्लड इन चैम्बर्स में आ गया, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आया. अदरवाइज नो ब्लड इज एडेड और लीव फ्रॉम द हार्ट. राइट, लिखो ये यहां, यहां पे यहां लिख भी ले. ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल नो मोर ब्लड enters in heart, no blood leaves the heart. Blood flows from atria टू वेंट्रिकल्स ओनली. सिर्फ ये हो रहा है एट्रियल सिस्टोल में. ठीक, लिखो अब ये. नाउ द थर्ड इज ventricular systole, that is contraction of ventricles. अब यहां पे क्या है कि the electrical impulse from atria is not directly transmitted to ventricles, क्योंकि barricades लगे हुए हैं. Barricades क्या है? Fatty tissue के. Due to presence of fatty, इसको क्या बोलते हैं? Annular tissue. इसलिए ये इंपल्स कहां पर गई? ये गई इसके पास, दिस इज हाँ एवी नोड. ठीक है, तो हम अगेन एक डायग्राम बनाए. यहाँ पे एनुलर टिश्यू है इसलिए इंपल्स यहाँ पे सीधी नहीं आ सकती,
ये SA node है, यहाँ पे AV node है, impulse यहाँ पे आई और इसके पास गई, this is AV node, atrioventricular node, ये भी cardiac muscle fibers है, यहां से दो स्ट्रैंड निकलते हैं कार्डियक मसल फाइबर्स के, टू कॉलम्स ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, दीज आर कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिज, और फिर ये दोनों यहां पे हाईली ब्रांच्ड है, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वॉल्स में, वेंट्रिकल्स की वॉल में चले जाते हैं, दीज आर यू नो पर्किंजी फाइबर्स, दीज आर पर्किंजी फाइबर्स, ठीक है। दोबारा से यहां से एट्रिया ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स वेंट्रिकल्स की वॉल को नहीं दी, वॉल ये है, इसको नहीं दी, किसको दी, एवी नोड को, एवी नोड से दो बंडल्स निकलते हैं, बंडल ऑफ हिज, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स लेके जा रहे हैं किसके पास, परकिंजी फाइबर्स के पास, ठीक है। और जब परकिंजी फाइबर्स के पास इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंची तो वो अगेन ये क्या है, दैट इज कार्डियक मसल फाइबर्स है। तो ये जब इनके पास इंपल्स पहुंची तो ये कॉन्ट्रैक्ट किए, ड्यू टू विच वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, बट ये तब हुए जब एट्रिया रिलैक्स कर गया, इज इट ओके, ठीक है। वेन या वेन ना करो, एट्रिया रिलैक्स आफ्टर 0.1 सेकेंड, पासेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू एवी नोड, दिस इज कॉल्ड एज पेस सेटर, एवी नोड पासेस इंपल्स टू बंडल्स ऑफ हिज एंड देन टू परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। इससे क्या हुआ, बोथ वेंट्रिकल्स, मैं वी लिख रही हूं, आपने पूरा लिखना है, फिर बाद में नहीं पता चलेगा, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, वॉल्व्स जो है, ये वॉल्व्स एंड स्फिंक्टर, सिर्फ वॉल्व्स कौन से खुले हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड खुले हैं, बाकी सब बंद है, वॉल्व्स एंड स्फिंक्टर्स ऑफ सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स आर क्लोज्ड, सेमीलूनर वॉल्व्स ये भी अभी तक क्लोज है,
contraction of ventricles pushes, यहां पे जो है ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड, इसको ऊपर को पुश कर देते हैं, पुशेस द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स अपवर्ड्स, ऊपर को पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से दीज वॉल्व्स क्लोज एवी अपर्चर्स, ये जो अपर्चर्स थे, होल्स थे, ये बंद हो गए, जब ढक्कन बंद हुआ तो ये होल्स भी बंद हो गए। दिस इंक्रीजेस, अब ब्लड कहीं जा तो रहा नहीं, सारे अपर्चर्स बंद है, अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्या होगा? दिस इंक्रीजेस प्रेशर, ये है इंक्रीजेस का साइन। प्रेशर इन वेंट्रिकल्स एंड ये जो प्रेशर है इट कॉजेस सेमीलूनर वॉल्व्स टू ओपन। जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहां पे जो सेमीलूनर वॉल्व्स है वो इस तरह से खुल जाएंगे। और ब्लड जो है इसके अंदर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू पल्मोनरी आर्क एंड एओर्टा। लिखो ये पहले, फिर हम और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो लिखो, आफ्टर 0.4 सेकेंड्स, आफ्टर 0.4 सेकेंड्स द वेंट्रिकल्स रिलैक्स। एक तो वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा हो गया, ऊपर से ब्लड भी थोड़ा रह गया क्योंकि बहुत सारा तो बाहर चला गया। After 0.3 seconds करो, after 0.3 seconds the ventricles relax, the pressure of the blood, full stop करके next point, the pressure of blood in the ventricles decreases, the pressure of blood in ventricles decreases, due to which semilunar valves gets closed and all other valves and sphincter opens and there starts joint diastole again। फिर दोबारा से हार्ट में ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब हम आ जाते हैं बेटा कार्डियक आउटपुट।
बेटे जब वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हुआ था उस टाइम वेंट्रिकल्स में मैक्सिमम ब्लड था, उसके बाद तो ब्लड कहीं से आया ही नहीं, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकल एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, इसको हम क्या बोल देते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब जब डायस्टोल एंड हुआ और सिस्टोल शुरू हुआ वेंट्रिकल्स का, उस वॉल्यूम को, और वो कितनी है? 120 ml। उसके बाद आ जाती है बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? इट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच पासेस आउट through each ventricle during ventricular systole. यहां से कितना ब्लड बाहर जा रहा है, यहां से कितना ब्लड बाहर जा रहा है इतने टाइम में, एंड दैट इज 70 ml। 120 ml ब्लड था बाहर वेंट्रिकल में से, उसमें से 70 ml चला गया, अभी भी 50 ml। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरा हार्ट, जब वो रिलैक्स होने लगा, तब भी वेंट्रिकल्स खाली नहीं है, हमेशा कोई चीज खाली नहीं रहते, उसमें पहले से कुछ ना कुछ तो जरूर रहता है, ठीक है? तो देयर इज प्रेजेंट 50 ml ऑफ ब्लड, वो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है? This is called as end systolic volume. Volume of blood left in each ventricle after ventricular systole is 120 minus 70 is 50 ml. तो एक साइकिल में ब्लड हार्ट का हर वेंट्रिकल कितना ब्लड भेज रहा है? 70 ml। और स्पेसिफिकली हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो कार्डियक आउटपुट क्या है ये? इट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पास्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। पर मिनट में कितनी कार्डियक साइकल्स है? 72 to 75 हम कह सकते हैं, ठीक है? एक कार्डियक साइकिल में 70 ml बाहर भेजता है, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इनटू 70 ml। अगर आप 72 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो कितना आ जाएगा, 7 2 14, 1 7 7 49 और 50, 2 75 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 49 और 3 52. तो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, 5 लीटर टू 5.250 लीटर ऑफ ब्लड इज पास्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. दिस इज कार्डियक आउटपुट. Is it okay? ज्यादा मैथ्स, जरा सा आपको लगेगा जरूर कि मैथ्स आ गया, बट ज्यादा मैथ्स नहीं है, जनरल सा. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू.